चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट के दौरान सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगी है। वहीं गणेश उत्सव के लिए अपनी मूर्तियां तैयार कर चुके मूर्तिकार अब भी असमंजस में हैं। वहीं इस मामले पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ने राज्य शासन से इस ओर ध्यान देने की बात कही। वहीं कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देकर मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी भी अभी कोरोना के पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी एडवाइजरी में अब कैसे परिवर्तन होगा इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे। लेकिन जो एडवाइजरी में लिखा गया है कि बहुत सार्वजनिक समारोह नहीं होंगे, पंडाल आदि नहीं लगेंगे, इसका मतलब है छोटे गणेश की मूर्तियों को लेकर के आप गणेश जी की पूजा करिए। देखिए, जिस मामले में उनको नहीं करना है तो केंद्र का सहारा ले लेते हैं और जो उनको करना है उसमें बोलते हैं केंद्र की ये नीति ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमको 36 केंद्र की नीति के साथ साथ, केंद्र की गाइडलाइन के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं और छत्तीसगढ़ की उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लोगों को अगर आर्थिक नुकसान हो रहा है और वो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको आर्थिक सहायता कैसे हम उपलब्ध करवा सकते हैं इसके बारे में भी सरकार को चिंता करनी चाहिए।